दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। इसको चेक करने के लिए दोस्तों हम बता दें, जैसा कि हमारे पास ये बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है। इस बर्थ सर्टिफिकेट को आप कैसे चेक कर सकते हैं ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। इसको चेक करने के लिए दोस्तों क्या है कि अभी अब तक ने देखा था कि आपको बताया गया था यहाँ पे QR कोड जो शो होता है, QR कोड को अगर स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद आपको एक लिंक ओपन होता है। अगर लिंक को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट दिखा देता है, तो इस तरीके से आप जान सकते थे कि वो बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। लेकिन दोस्तों ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है, क्योंकि दोस्तों क्या है, स्कैन करने पे आपका उस पोर्टल पे तो भी जाता है, और यहाँ तक कि आपको बता दें स्कैन, जैसे इस QR कोड को किसी भी स्कैनर से अपने मोबाइल के थ्रू स्कैन करते हैं। चलिए हम आपको बता दें, आपको दो, मेरे पास दोनों ही बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है, एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट है, एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, दोनों ही आपको दिखा है। यहां पर देख सकते हैं मेरे पास ये जो बर्थ सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है ये ओरिजिनल है, और इसे हमने स्कैन किया है। स्कैन जैसे ही किया है तो आपको यहां पर इसकी PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, और इससे हम यह आंकड़ा लगा सकते हैं कि ये बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। लेकिन दोस्तों ये वो बहुत काफ़ी पुराना हो चुका है। अब आपको हम बताएंगे, जैसे कि हम फेक बर्थ सर्टिफिकेट है उसका अगर स्कैन करते, वो भी स्कैन होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे देता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, आपको हम पूरा प्रक्रिया बताएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम आपको दिखा देते हैं ये जो बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास अवेलेबल है ये फेक है, और ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये एकदम ओरिजिनल है, हमने बर्थ सर्टिफिकेट चिकित्सालय से बनवाया था। तो दोस्तों हमारा क्या होता है, हम कैसे जान सकते हैं कि ये बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो दोस्तों हमारे पास ये दोनों बर्थ सर्टिफिकेट है, आपको QR कोड को स्कैन कर लेना है। ये जो QR कोड है दोस्तों, बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा कि QR कोड को स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के बाद आपको क्या होता है कि आपको यह दिखा देता है। तो चलिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं, स्कैन करने के बाद हमारा देखिए स्कैन हमने जैसा किया, यहाँ पर देखिए यहाँ स्कैन करने पर यह आपका लिंक ओपन होता है, और यहाँ दूसरा वाला भी दिखा देते हैं, ये भी ओपन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कि आप यहाँ पहचान सकते हैं कि https://crsorgi.gov.in, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बर्थ सर्टिफिकेट का लिंक ओपन हुआ है ये 100% फेक है, और जो ओरिजिनल फेक का जो लिंक ओपन होता है, तो आपको यहाँ पे दोनों में अंतर आपको दिखा देते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये देख सकते हैं कि जियो यहाँ पे crsorgi.gov.in ऑब्लिक करके दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं इन के बाद ऑब्लिक नहीं है, तो ये 100% ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये ओरिजिनल है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज थ्री डी आया ऑप्शन का ऑप्शन खुला हुआ है। तो ये जो बर्थ इस टाइप का अगर आपको लिंक ओपन होता है तो आप ये जान सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल। यही दोस्तों अभी आपका हमने बताया नहीं, ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि ये बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब पोर्टल चालू हो चुके हैं कि आपको यहाँ तक कि ये जो आपका लिंक ओपन हो रहा है यहाँ भी ओपन होगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसको कंफर्म करने के लिए कि 100% ही आपका ओरिजिनल है, इसको कंफर्म करने के लिए आपको हम चलते हैं एक न्यू पेज पे, आपको बताते हैं किस तरीके से जान सकते हैं कि ये बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। लेकिन दोस्तों हम बता दें, अगर इस तरीके का लिंक ओपन होता तो ये ध्यान रखिएगा ये 100% ओरिजिनल है, 99% ओरिजिनल है, और 100% कन्फर्म करने के लिए आपको चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे दोस्तों कन्या सुमंगला के नाम आप सुने होंगे, कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, यहाँ पर इस पेज पे आ जाना है। अगर आप कन्या सुमंगला का फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कन्या सुमंगला का फॉर्म फिल करते समय आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको बर्थ जो रजिस्ट्रेशन नंबर चालू होगा, यहाँ पर बताया गया है कि बी लिख करके फिर उसके बाद YY ईयर लिखा होता है, फिर 9 लिखा होता है, या ध्यान रखिएगा 9 लिख करके जो भी आपका ये नंबर दिए गए हैं इस तरीके का होना चाहिए, वही बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको फिल करना है, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है आपके पास, आपको कन्या सुमंगला अकॉर्डिंग जो पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग स्पेस पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे, और यहाँ पर जो भी कैप्चर शो हो रहा है उसको फिल करके वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है।
मैंने दोस्तों यहाँ पर पैवी जो डुप्लीकेट वाला था उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और यहाँ पे जैसे कैप्चर फिल किया और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का मैसेज होता है कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ महापंजीयन एवं जनगणना कार्यालय पोर्टल पर अवलिखित नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये जो बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम इसी टाइप का था और आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और यहाँ पर ओके पे क्लिक किया तो भी यहाँ नहीं बताया। तो हमने क्या किया, अब हम बता दें कि ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट की क्या पहचान होती है। चलिए हम यहाँ पर अगला जो हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पर जो भी कैप्चर्स है कैप्चर फिल करके अगेन आपको फिल करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट डाला तो यहाँ पर जैसे ग्रीन टिक हो जाएगा कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये आपका 100% ओरिजिनल है और आपने किस तरीके किस लोकेशन के अकॉर्डिंग बनवाया है आपका यहाँ पर अपनी अकॉर्डिंग आपको फिल करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल होगा आपका यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा, जो बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल होगा आप इसका यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज होगा कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, इस तरीके का मैसेज होगा। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो नंबर है कभी आपका यह बर्थ सर्टिफिकेट जो भी बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है अगर रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करना चाहते हैं तो आप कन्या सुमंगला का फॉर्म फिल करेंगे। जब फिल किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, अगर ग्रीन टिक हो जाएगा तो समझ लीजिए ओरिजिनल, अगर आपका यहाँ पे फेक होगा तो आपको इस तरीके का मैसेज शो होगा। तो दोस्तों हमने रजिस्ट्रेशन नंबर से हमने बताया कि किस तरीके से चेक किया जाएगा, यहाँ पर ये 100% ओरिजिनल है और अगर आपको स्कैन करने के बाद इस तरीके का देख सकते हैं अगर मैसेज शो होता है और आप तो ऐसी स्थिति में आपका 99% ओरिजिनल है और 100% करने के लिए आपको कन्या सुमंगला का फॉर्म जब फिल किया जाएगा वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपको पता चल जाता है कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है 100% ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। एक चीज और दोस्तों बता दें, आपको जो स्कैन करने का तरीका होता है जैसे कि स्कैन करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्कैन करेंगे तो आपका यहाँ पोर्टल पे लेके चला जाएगा, स्कैन करने के बाद एक लिंक ओपन होगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे जैसा कि हमारा लिंक ओपन हुआ तो हमने इसको क्या किया, इस पेज पे आने के बाद हमारा होम पे आते हैं, होम पे आने के बाद चाहे उसमें फेक बर्थ सर्टिफिकेट हो चाहे ओरिजिनल, होम पे जाते हैं तब भी यहाँ मान लेते हैं कि हमारा यह बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। दोस्तों हम ये नहीं कह सकते बर्थ सर्टिफिकेट ये भी ओरिजिनल है, क्यों नहीं कह सकते, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है सिविल रजिस्ट्रार सिस्टम के अकॉर्डिंग चला जाता है तो हम मान लेते हैं ओरिजिनल। और दोस्तों ऐसा नहीं है, ये बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आपका लिंक ओपन होने के बाद और यहाँ पर इस लिंक ओपन होने के बाद होम पेज पे चला जाता है तो ये बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल है। आपको अगर रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करना है तो कन्या सुमंगला का फॉर्म फिल करिएगा, वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, अगर उसके पंजीकरण के अकॉर्डिंग होगा तो आपको यहाँ पे शो होगा कि अगर डिटेल अगर जैसे कि डेट ऑफ बर्थ और जो भी नाम है अगर मिसमैच होगा तो वहाँ नाम मिसमैच दे देगा, लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। इस तरीके से आप बर्थ सर्टिफिकेट पहचान सकते हैं ओरिजिनल है या डुप्लीकेट।